प्रा न्यूज़ आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। भीषण गर्मी से परेशान होने के बाद पर्यावरण को बचाने की एक सराहनीय पहल सामने आई है। ग्वालियर में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, ऐसे में महिलाओं का समूह लोगों को वृक्ष लगाने का संदेश दे रहा है। महिलाओं का समूह लोगों को बता रहा है कि किस तरह पौधों को संरक्षित कर उन्हें बड़ा किया जाए। गंगा दशहरा पर्व पर महिलाओं ने लोगों को पौधे बांटते हुए उनसे हस्ताक्षर कर संकल्प दिलाया कि इन पौधों की 3 साल तक एक बच्चे की तरह देखरेख कर उन्हें बड़ा करेंगे। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो जीवन भी संभव नहीं होगा। हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं दे पाएंगी। इसी वजह से पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर हम लोग यहाँ शरबत वितरण कर रहे हैं और पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों का वितरण करके और साथ ही उनसे एक हस्ताक्षर अभियान और शपथ दिला रहे हैं कि हम पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पेड़ लगाएंगे और 3 वर्षों तक उसकी उचित देखभाल करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि महिला जैसे अपने घर की देखभाल पूरे मन से करती है, ऐसी महिला हर मोर्चे पर आके सक्षम है, तो क्यों ना हम समाज के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोग आगे आएँ और लोगों को जागरूक करें कि पेड़ ही के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर पेड़ ख़त्म होंगे तो गिलहरी, गौरैया, चिड़िया सब खत्म होंगी, तो आगे जो हमारा वृक्ष है जब ख़त्म होते जाएंगे तो पर्यावरण बिल्कुल संभव ही नहीं हो सकता है। आगे आगामी 50 वर्षों में हम अपनी संतियों को कुछ दे ही ना पाए। वृक्ष, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सांस लेने के लिए जैसे शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। आजकल जो आधुनिकीकरण हुआ है शहरों में और गाँव में खेतों के लिए जो किया है, पेड़ों की कटाई हम नित्य निरंतर करते जा रहे हैं, हम लगा कुछ नहीं रहे। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि हम संदेश दें कि हम अपने जैसे बच्चों की देखभाल करते हैं घर पे, हम माँ के रूप में ऐसे हम अपने पेड़ों की देखभाल भी महिलाएं करें और आगे वाली जो हमारी संतति आ रही हैं उनको एक शुद्ध वातावरण और पर्यावरण दे सकें, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जी, हम लोग 3 वर्षों तक है ना उनका मोबाइल नंबर भी नोट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हम बिल्कुल उनको फॉलोअप करेंगे कि वो पेड़ ले जाने के बाद उनका देखभाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 3 सालों तक वो उनकी देखभाल करेंगे। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।